हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो आज के व्लॉग की शुरुआत तो मैं दिन से कर रही हूँ और मैं शॉप के बाहर बैठी हूँ, मैं और मम्मा। और ये देखिए नीला नीला आसमान, कितना अच्छा मौसम है। और इतनी तेज़ धूप लगी है आज, बहुत तेज़ धूप लगी है और इतने मज़े आ रहे हैं धूप सेकने के। बट अब थोड़ी थोड़ी गर्मी होने लगी है और आज देखो मैंने पतला सा शर्ट निकाल दिया है रेयन का। मैं मतलब गर्म कपड़े पहन के ना बहुत ज़्यादा ऊब रही हूँ और मैं सोच रही थी कि कुछ थोड़ा सा अलग पहनना है, तो मैंने आज ये निकाल दिया अपना कुर्ता, क्योंकि मुझे ना मतलब थोड़ा सा पतले से कपड़े पहनने का मन हो रहा था। अब दो दिन रह गए शिवरात्रि के लिए, तो शिवरात्रि भी आने ही वाली है। अब तो दो दिन बचे हैं और आई थिंक शिवरात्रि के बाद से तो गर्मी होने वाली है। क्या बोलते हो मम्मी, शिवरात्रि के बाद से तो गर्मी हो जाएगी, है ना? हाँ, गर्मी हो जाएगी। अरे हाँ हो जाएगी है ना। नहीं, ये नया धाटू क्यों लगाया आपने? तो क्या करूं, अब धाटू लगाने तो खुद नहीं पहनेंगे तो क्या? नहीं, आप तो चेक कर रहे थे, आपने तो लगा ही लिया धाटू। तो क्या करूं, सूट के साथ मैच हो रहा है। ये नीला सूट पहना है ना, और मम्मी को देखो नीला धाटू लगा दिया। सूट साथ मैच हो रहा था, मैंने सोचा हाँ क्या लगा देती हूँ। नहीं, लाटा क्यों बोल रहे हो? अरे मेरे से थोड़ा लाटा बोल रहा है। क्यों? अरे ऐसे ही अच्छा, तब पहना आपने? हाँ जी। ओके, चलो अच्छी बात है, पहन लिया है तो बहुत अच्छी बात है। मेरे को पानी भी नहीं गिरा, मेरे को लगा पानी आ गया। मेरे को क्या पता, तू थी ऊपर, तूने नहीं देखा पानी? नलका खोलना था, तेने देखना था पानी गिरेगा तो यार फिर तो दिक्कत हो जाएगी। गाइस, हमारे ना पानी ही नहीं है, पता नहीं पानी से टंकी भर गई होगी, नहीं भरी होगी, आया है नहीं आया है, बिल्कुल भी नहीं है पानी, पीने के लिए भी पानी नहीं है। बाकी तो चलो पता नहीं कितना भरिया होगा, शायद हाफ तो हो गया, देखना पड़ेगा फिर ऊपर। दिन के बज गए हैं 2 और हमें लग गई है भूख। मैंने तो अभी एक चपाती खा भी ली है और सिमू बना रही है यहाँ पर पुलाव, क्योंकि अभी मेरी मासी की बेटी भी आए हैं, मम्मा, ताई, भाई, सीमू, सबको भूख लगी है। और घर पर जो मतलब खाना बना हुआ था वो मैंने खा लिया है सारा, तो सीमू अभी पुलाव बना रही है सभी के लिए और मैं भी थोड़ा सा खा लूँगी। वैसे मैं चावल अवॉइड ही कर रही हूँ आजकल खाना, देखती हूँ, नहीं तो मैगी खा लूँगी अगर ज़्यादा भूख लगी तो। वैसे अगर टेस्टी, वैसे शायद टेस्टी बनेगा क्योंकि सीमू बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं, मतलब खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है, शायद टेस्टी बनेगा खाना तो। तो ये देखिए ये पुलाव कितना टेस्टी है देखने में, और खाने में तो खैर कितना ही टेस्टी होगा, है ना सीमू? अच्छा बना है? हाँ, तो बहुत टेस्टी पुलाव बनाया है सीमू ने। सीमू अब खा रही है, मैंने तो खा लिया है, देखो कैसे खा रही है, चाट चाट कर चम्मच से। और ये देखिए ये लस्सी का कप भरा हुआ है इसने, यहाँ पर आधी लस्सी पी चुकी है, खट्टी लस्सी पी रही है। खट्टी लस्सी तो थोड़ी थोड़ी हो गई, मैं इसमें पानी डाली तो मैं तब नहीं पीती है। लस्सी अच्छी है, मैं नहीं पीती लस्सी ना, मेरे को फैट आ जाता है, मेरे को थोड़ा सा होता है ना हैवी जैसा हो जाता है लस्सी पी के, ना नहीं पीती ना, मतलब मेरे को ये होता है अगर मैंने कभी लस्सी पीनी है ना तो पानी का गिलास किया ना था उसमें डाली थोड़ी सी पतली लस्सी, पतली लस्सी बिल्कुल। पूजा के घर जाती हूँ ना मैं, वहां पर भी मैं ऐसी पीती हूँ, मैं कांटी बिल्कुल देना पतली लस्सी ना, तो मेरे ना पछती नहीं है, लस्सी नहीं पछती नहीं है मेरे को, मेरा जो ये है ना मतलब डाइजेशन सिस्टम खराब हुआ हुआ है, बिल्कुल भी नहीं पछता खाना। शाम के 7 बज गए और मैं सोचती चपाती बना देती हूँ, मम्मा वगैरह भी आने वाले हैं शॉपिंग करके, और आज बनाने वाले हैं हम मशरूम की सब्जी। तो सीमू यहाँ पर मशरूम कट कर रही है और मैं बनाती हूँ चपाती। ये है हमारा आज का डिनर, ये देखिए येलो चावल, और ये है मशरूम की सब्जी, और ये है अचार, और ये हाथ में चपाती। ये देखिए ये हम खाने वाले हैं आज, बहुत यम्मी लग रहा है। मॉर्निंग, सो आज है नेक्स्ट मॉर्निंग और हम धो रहे हैं अभी कपड़े, तो कल है शिवरात्रि तो थोड़े बहुत कपड़े थे धोने के लिए,
तो हमने सोचा कि चलो अभी धो लेते हैं, सुबह सुबह पानी बहुत ठंडा है। तो अभी हमने यहाँ पर मशीन लगाई है कपड़े धोने के लिए, ये देखो फटाफट से कपड़े धो लेते हैं। और उसके बाद मैंने किचन भी साफ़ कर दिया है, क्योंकि कल शिवरात्रि है, सारे कमरे साफ कर दिए हैं, बेड शीट्स की न्यू बिछा दी है, मतलब कि नई बेड शीट्स। तो आज भी दो अच्छे छुट्टी आने वाले हैं शिवरात्रि के लिए घर, देखते हैं फिर क्या क्या होने वाला है। सो गाइस, मैंने इतने सारे कपड़े धोए हैं ना आज, आप देख सकते हो पूरा कपड़ा पूरा ना, मतलब यहाँ फुल हो गया, भर फुल भर गया। अब ये रह गया, इसको कहाँ डालूं, कपड़े इतने सारे हैं ना, मतलब सोच रही हूँ कहाँ डालूं। इतने सारे कपड़े धोए हैं ना, मैं आपको बता भी नहीं सकती। ये देखिए, मतलब जितने भी कपड़े थे सारे कवर वगैरह धो लिए मैंने, सारे कपड़े, कुछ कपड़े यहाँ डाल दिए अंदर को, वैसे तो नीचे भी कपड़े डालने के लिए, बट मैंने सोचा कि चलो यहीं पर डाल देती हूँ इकट्ठे इकट्ठे। वैसे तो मैंने ड्रायर किए हुए सारे कपड़े, थोड़े थोड़े सूखने हैं, पानी तो निकल गया है, बस थोड़ा सा सूख जाए। और ये देखो मौसम भी ख़राब हो गया, इस मौसम को भी आज ही ख़राब हो गया था जब मैंने कपड़े धोए हैं, पर चलो ये मैंने ड्रायर कर दिए सारी दरिया, ताकि ये ना फटाफट से सूख जाए, फिर ड्राइव करके ना जल्दी सूख जाते हैं कपड़े। सी हो गई है नहाने, फिर मैं नहा लेती हूँ, और सारी सफाई मोस्टली सारी सफाई होगी शिवरात्रि की। अभी तक हमने ना खाना भी नहीं खाया है, 11:30 बज गए हैं, और यहाँ पर भी मैंने सारी बेड शीट्स चेंज कर दी थी, और ये सारे कुशंस मैंने धोने के लिए निकाल दिए, क्योंकि ना मुझे लग रहा था कि काफ़ी गंदे से लग रहे थे, मैं धो लेती हूँ इनको भी साथ साथ ही, मशीन तो चली रही थी। बाकी अभी कुछ खाना वाना खाती हूँ, भूख भी लग रही है। लग रहा है कि कुछ सरप्राइज है यहाँ पर। क्या सरप्राइज है? कुछ नहीं है, फोन लिया। कौन सा? ओह माय गॉड, नया फोन ले लिया है आज। एक्चुअली मेरे भाई का फोन खराब हो गया है, इसने लिया है वन प्लस इसने लिया है वन प्लस नॉट CE3। फोन का है? अच्छा, ये फोन हाथ में, पहले मैं देखूंगी, मैं बड़ी हूँ। तो ये वाला फोन है, वो कवर भी साथ में फ्री में है, स्काई कलर का फोन है, मतलब अच्छा है, ब्लू कलर का वन प्लस। हाँ, दिखा कवर, दिखा सिमो, एल फोन तू पकड़, कवर भी अच्छी है यार, सिलिकॉन कवर है। सो फाइनली फोन ले ही लिया। अच्छा, तो कैसा फील हो रहा है? ठीक है, अच्छा है ना? और आपको? बढ़िया बढ़िया, ठीक है ठीक है, बढ़िया है। इस दिन के काम देखो, यहाँ बने फोन के साथ फोटो ले रहे हैं ये, तो चलिए अब चलिए। हेलो, अरे वो सिग्नल नहीं आ रहा। ठीक है भाई, क्या कर रहे हैं? तो मम्मी यहाँ पर जैकेट लगा रहे हैं। हाँ, यहाँ थे बूटों के। कौन से बूट? कौन सा गंद? अच्छा, ओके। आ जा सनम मधुर चांदनी में, हम तुम मिले तो बहारों में यूं खिले है फूल, बहारे लगेगी चमकने, तू गएगी महकने। सीमाक्षी बना रही है पास्ता, ये देखिए अभी बॉयल करने को रख दिया है पास्ता, और आई थिंक सिमू मैगी भी पड़ेगी इसमें, देखते हैं। हाँ, देखते हैं, फिर इसमें मैगी भी डाल सकते हैं, हम मिक्स करके बनाएंगे इस पास्ते को, सीमू के हाथों का पास्ता खाएंगे आज। सब बनाती है सीमू पास्ता, अगर आप सीमू के हाथों का पास्ता खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे। इसमें सीमू थोड़ा सा ऑयल डाल रही है ताकि ये चिपके ना, है ना? हाँ, तो बनेगा पास्ता, देखते हैं कैसा बनता है हमारा पास्ता। मुझे इतनी ज्यादा ठंड लगी है कि हीटर जला दे, और मैं हीटर सेक रही हूँ अब। और सीमू पास्ता बन गया, सिमू ने पास्ता बना दिया है, ये देखो ये बना है मेरा पास्ता, यम्मी लग रहा है ना, खा के देखते हैं कैसा बना है पास्ता।
यहाँ पर रखे थे माश, हमने 2 दिन हो गए इसे रख के, क्योंकि हमें माश के बड़े भी बनाने हैं। और ये 2 किलो है पूरे, इसका पानी चेंज किया था सुबह मैंने। अभी सोच रही हूँ मैं कि इसे पीस देती हूँ, क्योंकि शाम के 5 बज रहे हैं, शाम को तो मुझे वैसे भी पीस नहीं है ये, कि कल से शिवरात्रि का, कल तो शिवरात्रि का खाना बनेगा, तो कल शिवरात्रि है, तो इसे अभी पीस के रख देती हूँ मैं। और फिर जो भी इसमें मसाला वगैरह ऐड करना वो कल ही करेंगे सुबह, जो भी काम होगा। तो चलो इसे पीसते हैं, मिक्सी निकाल देती हूँ, मिक्सी में पीसती हूँ इसको, थोड़े थोड़े करके पीसूँगी इसको ना। वैसे पानी मैंने सारा निकाल दिया है। बहुत ही अच्छा पेस्ट बना है सच्ची में। बिल्कुल बारीक पेस्ट बना है इसका। वैसे तो हमारे पास वो दूसरी वाली मशीन भी है, वो लोहे वाली होती है ना, यूं यूं करके घुमाने वाली, पहले हम उसी में पीसते थे, बट मिक्सी में फटाफट हो जाता है, तो अब हम मिक्सी में ही पीसते हैं। वैसे तो अब मार्केट में ना मतलब पीसा हुआ आटा मिलता है इसका, ये बनाने के लिए, बट पीसा हुआ आटा ना मतलब बनते तो अच्छे है ना उसके, बट उतने वो नहीं बनते जितने इसके बनते है ना, मतलब टेस्ट थोड़ा सा ना डिफरेंट आता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इस तरह से हम सारे माश को पीस लेंगे। डर गई मैं सच्ची में, क्या हो गया, और मैं ना बहुत डर हुआ हूँ सच्ची में। क्या हो रहा है, इसको ये गड़क गड़क कर रही है। मैंने मैक्सिमम माश पीस लिए है, और अभी थोड़े बहुत और पीसने को रहते हैं, तो उसको भी मैं पीस लूँगी साथ ही साथ। सो, आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताना। तो आपको कल मिलेगा शिवरात्रि का ब्लॉग, उसे ज़रूर देखना। ब्लॉग को करूँगी यहीं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर।